हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी ट्रेडर्स के लिए और जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, भाई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट रूल वीडियो का कि भाई स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट बातें, तो मिस मत करना यार वीडियो को। पहली बात तो ये है। अब यार रिगार्डिंग ट्रेडिंग, जब ट्रेडिंग का वर्ड हमारे दिमाग में आता है ना, तो कुछ चीजें आती है भाई सिंपली जो नॉर्मली एक ह्यूमन बिहेवियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉमन चीजें हैं कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या मैं लॉस में भी जा सकता हूं, लीगल है या नहीं ये ऑप्शंस, या फिर बहुत सारे रिव्यूज हैं जो मेरे दिमाग में है लोगों के लेके कि लोग मुझे कहते हैं मैंने यूज किया था, मैं लॉस में गया, ये जो है गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है जब मेरे ट्रेडिंग जो है शब्द दिमाग में आता है एज ए यूजर अगर मैं सोचता हूं तो। फ्रेंड्स, अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग में कुछ करना है, यहां से पैसे कमाने हैं, तो यार एक चीज ना अपने दिमाग से निकाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप प्रॉफिट लेते हो यहां से या लॉस करते हो ना, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है डे बेसिस पे। यहां पर ना इन द एंड ऑफ द मंथ, इन द एंड ऑफ द डे क्या लेके जा रहे हो वो डिपेंड करता है। एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉफिट में हो वो मैटर करता है। यार लोग सोचते हैं ना 10 रुपए लगाऊंगा मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, 100 रुपए लगाऊंगा मैं इतने रुपए कमा लूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ये गैम्बलिंग माइंडसेट को आपको हटाना पड़ेगा आपके दिमाग से। ये जब तक गैम्बलिंग माइंडसेट रहेगा आपका तब तक कुछ नहीं होगा। यार ये गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन लोगों ने ना इसे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल, और उनकी वजह से ही कुछ रिव्यूज हैं जो कि आड़े आते हैं आप लोगों के ट्रेडिंग करियर में कि भाई मैं करूं या ना करूं या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं 5paisa.com की। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो यार अगर आप स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो 5paisa एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरो। जी हाँ, आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, मतलब जीरो अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन। यहां पे आपको कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं रहती है। भाई ब्रोकरेज कितना है? शून्य। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इंट्राडे में या फिर डिलीवरीज पे, तो आपको कोई चार्जेस देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अकाउंट मेंटेनेंस फीस जो है, जो बाकी सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स नाम ले लूंगा, वो चार्ज करते हैं 300 से 1000 रुपीज, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं देने होते हैं। अगर आप जाना चाहते हो 5paisa.com के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार जब आप इन्वेस्ट करते हो बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्ट करते हो एफडी में, म्यूचुअल फंड में, वहां पे क्या आप ये सोचते हो कि मैं 10 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा? कोई नहीं सोचता है। लेकिन जब इन प्लेटफॉर्म्स की बात आती है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग दिखती है, आपको दिखता है कि भाई मैं इतने ही टाइम में, एक मिनट में मैं इतने पैसे कमा लूंगा, तो भाई वो चीजें पॉसिबल नहीं है, वो होगा ही नहीं। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको रिटर्न मिलता है, एक साल में आपको 6 से 10% 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, डिपेंड्स लाइक की ऑन बैंकिंग प्राइवेसी पॉलिसीज और ऑफर्स। और जितने सारे सेक्टर्स हैं सब में आपको रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं, ना कि ये कि आपको करोड़पति बना देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई टर्म्स है ही नहीं भाई। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिमाग से निकालो। अगर आप दो ट्रेड लॉस में भी जाते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एंड ऑफ द डे भाई खत्म हो गया है सारा चीजें, नहीं, नेक्स्ट डे आप रिकवर कर लोगे। लेकिन मैटर करता है ये कि आप रिकवर करने की स्थिति में होते हो या नहीं होते। सपोज करो आपके पास $100 का अकाउंट है, आपने सारे पैसे लगा दिए भाई ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि एक ही दिन में आपने $100 इन्वेस्ट कर दिए, तो यार वो तो गैम्बलिंग हो गया ना। यार आप कोई मैच पे बैट लगाते हो, सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भाई इंडिया पे बैट लगा दी 1000 रुपीज की, भाई 10 गुना मिल जाएंगे अगर मैं जीत गया, तो इसे बोलते हैं गैम्बलिंग, ठीक है। लेकिन अगर आते हैं ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे गैम्बलिंग वर्ड ही नहीं आता, गैम्बलिंग लोगों ने बना दिया इसको। दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज आती है कि मुझे एक मिनट में अपने पैसे पे 80% तक का रिटर्न मिल जाएगा, 100 रुपए लगाऊंगा मुझे 80 रुपए मिल जाएंगे, तो यार भाई ये गैम्बलिंग माइंडसेट जो है ना, इसको हटाओ सबसे पहले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहां पे आपको सक्सेसफुल होना है ना, प्रॉफिट और लॉस का जो ये चक्र भी होना, भाई इससे बाहर निकलो। प्रॉफिट और लॉस आपको तब होगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों के दोनों एक पार्ट है ट्रेडिंग के। आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। और ये जो एप्लीकेशंस है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा, अपने अपने नाम सुनते होंगे एप्लीकेशंस के। क्यों? क्योंकि यार ये गैम्बलिंग माइंडसेट है लोगों का, उनका फायदा उठा रहे। आपका माइंडसेट जो है वो ये है कि मैं यहाँ पे $100 लगा के भाई मैं $1 करोड़ कमा लूंगा, या फिर जो एडवर्टीजमेंट भी होते हैं रिगार्डिंग द सेम इसी तरीके के होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। $100 लगा के अगर आप इन अ मंथ अगर आप $20 का प्रॉफिट रखते हो कि भाई $100 मैंने लगाया, एक महीने में 20% कमा लूंगा, और मैं गारंटी आपको देता हूँ 20% रिटर्न कोई भी नहीं देती, कोई भी सेक्टर नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के उन $100 से 20% तक का रिटर्न ले सकते हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करो, पूरी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके करियर के लिए, आपकी सोच के लिए, चीजों को चेंज करने के लिए जो आपने अभी तक सोच रखी है। यानी कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ब्रेन है,
वो वहीं तक सोच पाता है जो आपने चीजें देखी है। आप जा रहे हो भाई रोड पे से, आपने कोई गाड़ी देखी, आपके दिमाग में एक सेट हो गया कि भाई मेरे को गाड़ी बहुत पसंद है और मुझे वही लेनी है। आपका जो माइंड है ना वो वही चीज सोच सकता है। तो यार उस चीज से बाहर निकलने के लिए ना आपको चीजें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, पहले बात तो ये दिमाग में डालना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, इन द एंड ऑफ द मंथ आप क्या कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। यार मैं सिग्नल्स देता हूँ, दिन के दो सिग्नल्स रहते हैं, किसी दिन अगर लॉस में चले जाते लोग उसका भथंगड़ बना देते हैं कि एक दिन लॉस में कैसे चला गया। ऐसा नहीं है यार, लॉस में जाएगा अगला दिन प्रॉफिट में जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से लॉस में जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इन द एंड ऑफ द मंथ क्या रिजल्ट निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आप कितना भी बड़ा अकाउंट लेके आओ, कितना भी छोटा अकाउंट लेके आओ, लेकिन डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर, आपके प्लानिंग के ऊपर। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है ना तो हर एक ट्रेड आपके लिए मैटर करेगी। तो वो जो सिचुएशन होती है ना वो गैम्बलिंग की सिचुएशन आ जाती है। यहां पे आपको उस चीज से हट के सोचना है। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको एज अ गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म लेके जाते हो या फिर इसको एज अ पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाना चाहते हो। लास्ट वीडियो मैंने सेम टॉपिक पे अपलोड की है, नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों लोगों ने कुछ व्यूज बना रखे हैं फिक्स टाइम ट्रेडिंग, फॉरेक्स और डिजिटल ऑप्शंस को लेके कि यहां पे आप पैसे डालोगे आपका लॉस होगा। ऐसा नहीं है, आप पैसा डालोगे आपकी मेंटेलिटी है, आपको यहां से रिटर्न लेना है, आपका लॉस कभी नहीं होगा। लेकिन जब आपकी वो मेंटेलिटी कन्वर्ट हो जाती है गैम्बलिंग में, जो कि 99% ऑफ लोगों की हो ही जाती है। यार यहां से ना मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से कोशिश कर रहा हूं ये समझाने की कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं है, ये लोग भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, आपकी गैम्बलिंग मेंटेलिटी का ये फायदा उठाते हैं। लेकिन आपको यहां से पैसा निकालना कैसे है, ऐसा नहीं है कि यहां से आप पैसा नहीं बना सकते, यहां से आप लॉट्स ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा बना सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सोचने की जरूरत है, अपने माइंड को, ब्रेन को फोकस करने की जरूरत है कि मुझे करोड़पति नहीं बनना है, मुझे रिटर्न चाहिए। ऑफकोर्स अब लोग बोलेंगे कि भाई मुझे रिटर्न चाहिए तो फिर मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे क्यों आऊं। तो भाई आपके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके लिए डायरेक्टली बैटिंग अच्छी रहेगी। जो ये लोग सोचते हैं कि मैं करोड़पति बनना है मुझे, तो उनके लिए तो बैटिंग अच्छी है भाई, डायरेक्टली जो इलीगल बैटिंग के साथ, भाई मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई सिंपल सी बात यही है। और भाई ट्रूथ है भाई, कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच यही है कि यहां से पैसा अगर आपको बनाना है तो आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रॉफिट सिग्नल, लॉस सिग्नल कुछ नहीं है। आपको जो भी एंड ऑफ द डे मिल रहा है उसको आपको कंटिन्यू करना है, मंथ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप डेफिनेटली पैसा कमा के लेके जाओगे। ये चीज नहीं कि मेरे पास $100 है, मैं 100 के 100 इन्वेस्ट कर देता हूं, मेरे पास 180 आ जाएंगे। तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल 2-3 बार दे चुका हूं, फिर से दूंगा, शायद किसी को बोरिंग लगे। तो भाई जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे ना तो दो फेस जरूर होते हैं, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब आप $100 के इन्वेस्टमेंट करो ना तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। ये चीज दिमाग में रखो भाई, ये चीज लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे $180 मिलेंगे, यानी कि $80 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन भाई इतना तो दिमाग में रखो कि अगर आप प्रॉफिट करते हो तो ठीक है, लॉस करते हो तो पैसे जाएंगे भी तो सही ना। अब वो $100 को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, मैं सिर्फ $100 की बात कर रहा हूं, नॉट लेस देन दैट और नॉट मोर देन दैट। क्योंकि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि $10 के साथ जाओ, तो $10 बहुत छोटी अमाउंट है और $10 के साथ आप मार्टिनल स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो $100 की बात करते हैं, डेली अगर आप सिर्फ $1 का प्रॉफिट टारगेट भी रखते हो, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक ट्रेड आपको प्रॉफिट में क्लोज करनी है, 1 से 2 ट्रेड। तो अगर आप डेली टारगेट रखते हो कि आपको $1 या 1% अर्न करना है, तो जस्ट इमेजिन आफ्टर 1 month आपके टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 100 पे $30 का प्रॉफिट या $30 से $35 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आप आज टारगेट रखते हो $100 पे 1%, तो कल आपके टोटल इन्वेस्टमेंट $101 होगी, परसों $103 होगी। यार सोचने की कोशिश करो, आफ्टर 1 month आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट होगा वो $135 के आसपास हो जाएगा या ज्यादा उससे। और 2 महीने के अंदर $135 का यानी कि 1%, सोचो 2 महीने के अंदर आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 80% आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो भी विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क मतलब ऑफकोर्स रिस्क रहेगी लेकिन विद मिनिमम रिस्क, कम से कम रिस्क के साथ आप ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हो। लेकिन जरूरी है फोकस होने के लिए, जरूरी है कि आप जो कर रहे हो उसे समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। गैम्बलिंग माइंडसेट को हटा दो, जस्ट ये सोचो कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे यूज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं। सीखने की कोशिश करो, अपने चेंज करने की कोशिश करो अपने बिहेवियर में। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है धीरे धीरे चेंज होता है, भाई जल्दी से चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे चेंज कर पाते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर पाते हो कि मैं इतने पैसे नहीं, मैं एक शॉर्ट टर्म पैसे कमाऊंगा, छोटे पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम के लिए जाऊंगा। उस टाइम में ना जब आप 1 साल तक छोटे छोटे पैसे कमाने लगते हो ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप 1 साल बाद
जो आप मंथली टारगेट रख रहे हो 10% का या 10% का 15% का, वो आप 30% तक लेके जा सकोगे। लेकिन अगर वही टारगेट आपका है कि आज मैंने 100 लगाए, कल मुझे $10,000 चाहिए, जो कि प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, आप ऐसा कर सकते हो। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा एक प्रॉपर प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओ। हमेशा से फोकस मेरा रहता है आप लोगों को ये सिखाने का कि मनी मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की है वो ट्रेडिंग की, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके साथ प्लेटफॉर्म है, आपके सामने दो बटन है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, दोनों को दबाओगे 80% रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप $100 इन्वेस्ट करके $1,000 का सोचोगे ना, तो गैम्बलिंग माइंडसेट हो जाता है भाई आप लोगों का, फिर किसी के बस की बात नहीं है। फिर इन द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में जाते हो। आप आज $10 का $100 बना लोगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि $100 बनाने के बाद आपका जो माइंड है वो रुक जाएगा, फिर बोलेगा कि भाई 100 से मेरे को 10,000 बनाना है। यार आप किसी मैच पे बैट लगाते हो ना, तो एक मैच आप जीतोगे डेफिनेटली, आप 1,000 के 10,000 बना लोगे, 10,000 के 1,00,000 बना लोगे, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो रुकेगा नहीं। फिर वो एक गैम्बलर बन जाओगे आप। उससे क्या होगा ना कि आप 10,000 से 1,00,000 बनाने के चक्कर में, 1,00,000 से 10,00,000 बनाने के चक्कर में एक दिन ऐसा जरूर रहेगा कि आपका टोटल अमाउंट ब्लैंक हो जाएगा, जीरो। उसके बाद क्या बोलते हैं लोग कि यार ऑलिम ट्रेड है, आईक्यू ऑप्शन है, बिनोमो है, ये जो एप्लीकेशन है फ्रॉड है भाई, ये पैसा देती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी लाइफ चल रही है भाई, मतलब एज अ लाइक करियर ऑप्शन लेके चलते हैं, एज अ पैशन लेके चलते हैं, कुछ भी है लेके चल रहे और सब कुछ सही चल रहा है। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को जिनको ये चीज समझ आ गई है, और आपको भी समझने की जरूरी है, ये चीजें जरूरत है कि प्लेटफॉर्म गैम्बलिंग का नहीं है, प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग एनालिसिस का, दिमाग लगाने का और एक तरीके से चलने का, मार्केटिंग मैनेजमेंट एवरीथिंग जरूरी है यहां पे। लेकिन आपको वो चीजों को लेके चलना है या गैम्बलिंग माइंडसेट को लेके चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लॉस क्यों करते हो, गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। देखो जब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गैम्बलिंग करूं या फिर मैं तरीके से जाऊं, तो यार बोलेंगे लोग कि मुझे गैम्बलिंग करना है भाई, वो इजी है मेरे लिए। लेकिन इजी जो है ना, जो चीज इजी होती है ना, उसके साथ बहुत सारे रिस्क भी जुड़ी होती है, आपको भी पता है। आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, दूसरा दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप बहुत मेहनत करके घूम घूम के चढ़ सकते हो जहां पे सीढ़ियां है, दूसरा आप डायरेक्ट चढ़ सकते हो जो कि जिससे आप बहुत जल्दी शॉर्ट ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे। लेकिन डायरेक्ट जब आप चढ़ोगे ना, तो वहां पर रिस्क जरूर रहेगी, आपको पता है मैं कभी भी गिर सकता हूं। सेम वही चीज है, इजी लगती है भाई, लेकिन इतना इजी फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे। जब आपको पता है कि आप 10 के 1,000 बना सकते हो तो यहाँ पे रिस्क है, लेकिन जब आपको पता है मुझे 100 के 10 बनाने, 100 के मुझे 110 बनाने, 100 के 120 बनाने, वहां पे रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व होती है। और यही चीज मुझे समझानी है लोगों को जो भी ट्रेडिंग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है वर्थ रही होगी, लाइक करके भाई बताना जरूर, मुझे नहीं पता यार, अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, लेकिन रिएक्शन जरूर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसी वीडियोस और चाहिए कि आपको। स्टे ट्यून रहो चैनल के साथ, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाओ नहीं हुए हो अभी तक तो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।